देश भर में आस्था और विश्वास की कई अनूठी मिसाल मिलती हैं। भगवान पर अटूट श्रद्धा अगर हो तो मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। ऐसे ही एक गणपति देवस्थल के बारे में आपको बताते हैं। बता दें कि राजनांदगांव शहर में स्थित मिथिला धाम में विराजित गणेश मंदिर में श्रद्धालु भगवान गणेश से सीधे पत्र के जरिए मनोकामना को पूर्ण करने की मांग करते हैं और यही सिलसिला कई दशकों से चला आ रहा है। दरअसल मिथिला धाम गणेश मंदिर में कई वर्षों से भक्तों का पत्र व्यवहार सीधे भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश से जारी है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना को कागज में लिखकर लाल कपड़ों में नारियल के साथ लपेटकर भगवान गणेश के चरणों में रख देते हैं। जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं वैसे ही यहाँ पर चिट्ठी रखने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि 1997 से लगभग 27 साल से भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए पत्र के माध्यम से अपनी मनोकामना पूर्ति करते आ रहे हैं और भगवान गणेश सभी भक्तों की मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। राजू गांधी के लिए भी नहीं लगता यार। आप उससे भी खास राजनांदगांव में गणेश मंदिर जो है वो ऐतिहासिक है क्योंकि ये भगवान की कृपा से ये मंदिर बना है। क्योंकि एक हाथी जो साधुओं के साथ आया था यहाँ पर उसका जो है प्राणंत हो गया और इसीलिए यहाँ पर गणेश मंदिर की स्थापना हुई। तो ये माना हम मानते हैं कि भगवान गणेश जी की ही इच्छा हुई कि मेरी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाए। और राजनांदगांव के गणेश मंदिर की विशेषता है कि जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूर्ति होती है। कई लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 21 बुधवार या जो महीने में दोनों पक्ष में विनायक चतुर्थी होती है उसमें गणेश मंदिर को केवल 11 धूप चढ़ाने से उसकी मनोकामना 21वें जो है हफ्ते जाते जाते पूर्ण होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को वह संतान उत्पत्ति हो, चाहे कर्जा मुक्ति हो, चाहे जो है घर का कला कलेश हो, चाहे सुख समृद्धि हो, सब तरह की जो है मनोकामना भगवान पूर्ति करते हैं और गणेश मंदिर में